हेलो गाइस, मैं आपका अपना पवन कैमरे वाला। स्वागत है आपका एक और नई मॉडिफिकेशन वीडियो में। आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे लीवर गार्ड को अपने बाइक CT 100 में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह अपने किसी बाइक में अपने जो लीवर गार्ड हैं उनको एक सही तरीके से कैसे इंस्टॉल करें, और लीवर गार्ड लगने के बाद अपने बाइक से कैसा लुक आने वाला है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखना ताकि सभी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए और आप वीडियो को इन्जॉय कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है अपने लीवर गार्ड जिनको कि हमने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से 407 रुपीज़ में। ब्लैक और ब्लू का ये हमें काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया है एक बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ, जो कि अपने बाइक के साथ काफ़ी अच्छा मैच करेंगे। नीचे की साइड इनमें हमें 2 Allen बोल्ट दिए हुए हैं, इनको लूज़ करके हम इसकी जो लेंथ है उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की तो क्वालिटी इनकी ठीक ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है। लुक काफ़ी प्यारा है, तो अगर आपको लुक अच्छा लग रहा है तो आप इनको भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें इंस्टॉल करते हैं अपने बाइक में। टूल्स में आपको ज़रूरत होगी एक 5 mm के एलन की और एक 2 mm के एलन की। अब हम इंस्टॉल करते हैं लीवर गार्ड को अपने बाइक में। इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने जो बार एंड है इनको रिमूव करना होगा, तो चलिए अभी मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। अभी अपना जो बार एंड है ये बाहर आ चुका है। सबसे पहले आपको अपनी हैंडल ग्रिप में कुछ इस टाइप का होल करना होगा। अगर आप इसी तरह एक अच्छी फिनिशिंग का होल करना चाहते हैं तो अभी आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा है, उस वीडियो को जाके देख लेना। अब आपको अपनी जो लीवर गार्ड है इसमें जो ये 5 mm का एलन बोल्ट लगा हुआ है इसको आपको टाइट करना है ताकि अपना जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाए और जब हम लीवर गार्ड को अपने हैंडल बार के अंदर इंसर्ट करें तो ये फ्रीली रोटेट ना करें। चलिए अब हम इसे टाइट कर लेते हैं। अब आपको अपने लीवर गार्ड को अपने हैंडल बार में इंसर्ट कर देना है और इसमें थोड़ा सा फोर्स लगेगा। अब आपको इसे लीवर के लेवल में करके कंप्लीट टाइट कर देना है। अभी अपना जो लीवर गार्ड है ये बिल्कुल अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपकी जो क्लच लीवर है वो आपके लीवर गार्ड के साथ टच हो रही है तो आप इन 2 Allen बोल्ट को लूज़ करके अपनी जो लीवर गार्ड की लेंथ है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी कुछ इस टाइप का लुक आ रहा है अपने लीवर गार्ड से। मेरे को तो ये लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपको ये लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ। यहाँ से देखो कितनी अच्छी वाली फिनिशिंग आ रही है, इसको देख कैसे लग रहा है जैसे वो अपनी जो लीवर गार्ड है वो कंपनी फिटेड ही आए हैं। इसी तरह अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने राइट साइड के लीवर गार्ड को। तो अपना ये वाला लीवर गार्ड भी बिल्कुल अच्छे से इंस्टॉल हो चुके हैं। इस साइड आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना जो लीवर गार्ड और अपनी जो थ्रॉटल है इनके बीच में गैप होना चाहिए ताकि अपना जो थ्रॉटल है ये फ्रीली रोटेट कर पाए। ये अभी आप देखो यार क्या लुक आ रहा है अपने लीवर गार्ड से, सच में बहुत ही प्यारी वाली फिनिशिंग आई है। आपको ये लुक कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इनका लुक अच्छा लग रहा है तो आप इनको परचेज़ कर लीजिए, अगर आपको अपने लीवर्स की सेफ्टी के लिए चाहिए तो आप इनको परचेज़ ना करें, क्योंकि यार इनकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। जब बाइक गिरेगा तो लीवर का तो पता नहीं, पहले ये टूटेंगे। हाँ लुक इनका अच्छा है, 400 रुपये को देखते हुए चीज़ ठीक है, 400 रुपये में इस टाइप के ही आते हैं। आई होप मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपने वीडियो को इन्जॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर आप इस टाइप की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।